दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मेरे पास जो फोन है वो है टेक्नो का पोवा 6 प्रो 5G। तो करने वाले हैं हम लोग उसका अनबॉक्सिंग, तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा मेरे पास टेक्नो का पोवा 5G फोन। फटाफट करते हैं अनबॉक्स और फटाफट देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। प्राइसिंग जो है वो आप लोग को यहाँ पे 19,000 रुपया आज के डेट पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। और उससे पहले चैनल पर नए आए थे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इसी तरीके के मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये है टेक्नो का पोवा वाला फोन और अभी हम लोग करने वाले हैं इसको अनबॉक्स। वैसे ये जो कलर है वो है कॉमेट ग्रीन कलर। तो फटाफट अभी हम लोग करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो फोन है इसके अंदर कुछ इस टाइप से रखा हुआ मिल जाएगा आपको। अटेम्प्ट पे ये फोन आप लोग को मिल जाता है, इस साइड कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जो ये फोन मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रहा फोन, जो काफी अच्छा पैकेजिंग के साथ आप लोग को मिल जाता है। कवर के ऊपर ही कुछ फीचर्स आप लोग को लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे, जो भी फीचर इस फोन के अंदर मिलता है। और ये रहा आपका फोन। बॉक्स के अंदर बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बॉक्स में बस ऊपर के साइड ये डब्बा देखने को मिलेगा। अंदर में यहाँ पे एक कवर मिल जाता है और कवर बहुत ही मतलब बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे कवर देख सकते हैं। इतना बेस्ट क्वालिटी का है कि ये मार्केट में भी नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का बोल सकते हैं। और काफी ज्यादा हार्ड है और बेस्ट है। और इसके अंदर और भी कुछ मिलता है, जैसे यहाँ पे आप लोग मैनुअल गाइड्स मिल जाता है टेक्नो की तरफ से, और वारंटी कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। प्लस में 70 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। और यहाँ पे केबल मिल जाएगा आप लोग को, टाइप सी 2 USB केबल के साथ आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। और केबल का लेंथ भी काफी बड़ा है, ऐसा नहीं कि केबल का लेंथ छोटा है, केबल काफी बड़ा इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप लोग को सिम इजेक्टर पिन मिल जाएगा यहाँ पे देखने को, जो इस टाइप के डिजाइन में आता है। दोस्तों ये जो डिस्प्ले है ये आता है 6.73 इंचेस का, एक फुल एमोलेड डिस्प्ले आप लोग को देखने को मिल जाता है इस फोन में। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आता है। प्लस में 1300 पिक ब्राइटनेस के साथ आता है, मतलब आप लोग इनडोर है आउटडोर है दोनों जगह आप लोग का जो ब्राइटनेस है वो काफी हाई देखने को मिलेगा। फिंगरप्रिंट आप लोग को इसके डिस्प्ले पे ही देखने को मिल जाता है। और हाँ, काफी अच्छे फीचर्स के साथ इसके अंदर डिस्प्ले पे भी फिंगरप्रिंट दे दिया गया है और डिस्प्ले काफी ब्राइट है। दोस्तों इस फोन के अंदर आप लोग को जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो मिलता है आप लोग को यहाँ पे MediaTek Dimensity 6086 mm वाला प्रोसेसर मिलता है। ये एक गेमिंग प्रोसेसर है और काफी अच्छा फीचर के साथ ये प्रोसेसर आप लोग को इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग गेमिंग कर सकते हैं और पहली बार टेक्नो का पोवा जो फोन है इतने अच्छे प्रोसेसर के साथ किसी स्मार्टफोन को लॉन्च किया है गेमिंग करने के लिए। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कितना हाई लेवल का इसके अंदर आप लोग को प्रोसेसर देखने को मिल जाता है इसी फोन के अंदर, जो है टेक्नो का पोवा 6 प्रो 5G। दोस्तों इसके अंदर एंड्रॉइड 14 आप लोग को देखने को मिल जाता है, जो अभी का लेटेस्ट एंड्रॉइड आप लोग को देखने को मिलता है। साथ ही में HiOS इसके अंदर देखने को मिलता है। और HiOS जो है वो हमेशा से पोवा के फोन में आता है और आज भी लेटेस्ट आप लोग को देखने को मिलता है, वो भी 14 HiOS। दोस्तों अगर हम लोग इसके स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो 256 GB और 8 GB वाला रैम के साथ आता है। एक और आता है जो आता है 12 GB और 256 GB रैम के साथ। दोनों का प्राइसिंग में 2000 का डिफरेंस है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। ऑफर लगा के आप लोग को कुछ कम हो जाएगा तो वो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दोस्तों अगर हम लोग इसके कैमरे की बात करें तो यहाँ पे जो मेन कैमरा है वो मिलता है 108 MP के साथ, और प्लस में 2 MP का आप लोग को एक टेलीफोटो लेंस मिलता है, जिसका ज्यादा आप लोग वैल्यू नहीं समझ सकते क्योंकि वो उतना काम का भी नहीं है। एक और जो यहाँ पे आप लोग को कैमरा देखने को मिलता है, ये सेंसर ये कैमरा नहीं है। प्लस में आप लोग अगर इस कैमरे से वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं तो HD में 30-60 FPS और 2K में 30 FPS तक ही रिकॉर्ड होता है बैक कैमरा से। और फ्रंट कैमरा से भी आप लोग को HD में 30-60 FPS और 2K 30 FPS रिकॉर्ड होता है। और सामने वाला जो कैमरा है फ्रंट कैमरा, उसमें आप लोग को 32 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसका अभी हम लोग कैमरा कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि इसका वीडियो क्वालिटी आप लोग को दिखाते हैं बैक कैमरा से, फ्रंट कैमरा से कुछ वीडियो क्वालिटी आप लोग को दिखाते हैं। उसके बाद आप लोग को वीडियो क्वालिटी समझ में आ जाएगा कि इस फोन के अंदर से वीडियो क्वालिटी कैसा निकलता है, और कुछ फोटो सैंपल भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो ये जो क्वालिटी है ये है इस फोन का सबसे हाईली क्वालिटी, और सेल्फी कैमरा से इसका क्वालिटी दिखा रही है। 2K में 30 FPS रिकॉर्ड करता है लास्टली, और यही इस फोन का हाईली क्वालिटी है जो है पोवा का 6 प्रो 5G। और काफी ज्यादा क्वालिटी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो ये देता है लास्टली, हाई क्वालिटी यही है। अब फटाफट बैक कैमरा को शिफ्ट करते हैं और उसमें भी 2K 30 FPS मिलता है, उसका क्वालिटी देखते हैं।
पैसा निकल कर आता है। दोस्तों ये जो क्वालिटी आप लोग देख रहे हैं ये 2K30fps का बैक कैमरा से जो 108 मेगापिक्सल कैमरा है उससे वीडियो क्वालिटी आप लोग को निकल कर आ रहा है। आप लोग इसको चेक करके बता सकते हैं किस क्वालिटी में ये फोन आप लोग को वीडियोस को रिकॉर्ड करके दे रहा है, क्योंकि ये जो क्वालिटी है एक तरीके से बोल सकते हैं वैल्यूएबल क्वालिटी हो सकता है किसी के लिए और किसी के लिए नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्नो का फोन है वो पावा जो 6 Pro 5G जो ये फोन है ये ज्यादातर हर फीचर्स को ऐड करने पे ज्यादातर लगे रहते हैं, इस कारण से इनका थोड़ा सा कैमरा वाइज इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अभी हम लोग फटाफट इसके कुछ फोटो सैंपल्स आप लोग को दिखाते हैं जिससे समझ में आ जाए कि इसका फोटो सैंपल कैसा देखने को मिलता है। दोस्तों इस फोन के अंदर आप लोग को 6000 मिली एम्पियर का एक हाई डेंसिटी का बैटरी देखने को मिलता है और इसका जो वेट मैनेजमेंट है वो कितना खतरनाक किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 200 ग्राम से भी कम का इसका वेट है और इसके अंदर 6000 मिली एम्पियर का बैटरी है। प्लास्टिक बिल्ड इसके अंदर देखने को मिल जाता है और पीछे की साइड यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है जो अभी हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पे जो प्लास्टिक बिल्ड है वो काफी अच्छा आप लोग को देखने को मिल जाता है, साइड फ्रेम है वो भी प्लास्टिक बिल्ड के साथ ही आप लोग को देखने को मिल जाता है और काफी अच्छा एक बिल्ड क्वालिटी आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही में यहाँ पे जो है वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन देखने को मिल जाएगा, आप नीचे साइड आप लोग को पावर ऑफ ऑन का बटन मिल जाता है, यहाँ पे आप लोग को स्टूडियो स्पीकर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जो काफी ज्यादा लाउड है इसका स्पीकर, ऐसा नहीं कि लाउडनेस में कहीं पे कमी है। टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है इस फोन में। आज भी आप लोग को एक फीचर है जो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे 3.5mm का जैक आज भी आप लोग को देखने को मिल रहा है, जबकि बहुत सारे फोन के अंदर से ये सिस्टम हटा दिया गया है बट इस फोन के अंदर आज भी आप लोग को देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस फोन के अंदर आप लोग को लाइट का फीचर देखने को मिलता है, तीनों साइड आपका लाइट यहाँ पे ब्लिंक करते हुए नजर आएगा और साथ में ये जो कैमरा मॉड्यूल है इस कैमरा मॉड्यूल के अंदर भी आप लोग को लाइट जलता हुआ नजर आएगा, मतलब इसमें भी लाइट है, ये तीनों साइड भी लाइट है और ये तीनों साइड जो लाइट है वो काफी अच्छा एक बहुत सारे मतलब कस्टमाइजेशन के साथ आता है। देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आप लोग को ये ब्लिंक कर रहा है, बहुत सारे फंक्शंस के साथ आप लोग को आता है, बहुत सारा यहाँ पे आप लोग को मोड देखने को मिल जाता है, बहुत कस्टमाइजेशन है आप लोग देख सकते हैं, मतलब जितना चाहे उतना कस्टमाइज आप लोग को देखने को मिल जाएगा, मतलब हर तरीके का कस्टमाइजेशन के साथ ये आता है। दोस्तों इस फोन के अंदर NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब NFC अभी के बहुत ज्यादा हाई प्राइस रेंज में आप लोग को देखने को मिलता है NFC का सपोर्ट, बस इस फोन के अंदर भी आप लोग को NFC का सपोर्ट मिलता है, अगर आप लोग NFC यूज करते हैं तो इसके अंदर भी NFC का सपोर्ट है। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने कैमरा सैंपल देखा, अभी आप लोगों ने वीडियो क्वालिटी सैंपल देखा है, तो इसी तरीके के मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमें जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक अपने तरफ से जरूर दीजिएगा इसी तरीके के मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियोस के साथ, तो इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग रॉबरी टेक।